बाढ़ के बाद पूरे भारतवर्ष में से सहायता का जनसैलाब देखने को मिला था। वहीं बड़ौदा के कई संस्थान ने बाढ़ पीड़ितों को सहायता की थी। वहीं इन सभी संस्थाओं का कल सम्मान किया गया था। बड़ौदा केरल समाज की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए कई ट्रक भर के जीवन निर्वाह की आवश्यकता की चीजें केरला भेजी गई थी। इन सभी चीजों को इकट्ठा करने में बड़ौदा के कई संस्थाओं ने अपना योगदान दिया था। कल मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में इन सभी संस्थाओं को सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम के बारे में केरल समाज के प्रतिनिधि ने जानकारी दी थी। मैडम, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। श्री जी सी नायर, आप सब जानते हैं कि केरला के अंदर जो कुदरती आफत हुई है, लगभग 30,000 लाख के नुकसान, करोड़ के नुकसान राज्य में हुआ। काफ़ी जानकारी हुई, जानहानि हुई और काफ़ी लोग बेघर हो गए और बहुत से लोग मृत्यु पाना। तो ये संजोग में केरल के बाहर रहने वाला प्रवासी, मलयाली कहते, केरलियन कहते हैं, ऐसा है, बड़ौदा में रहने वाला केरल का लोग काफ़ी कुछ केरल को मदद करने के आयोजन की थी। उसके साथ बड़ौदे की प्रजा, लोकल प्रजा भी काफ़ी साथ सहकार देकर वो प्रवृत्ति को सफल बनाने में, कामयाब बनाने में काफ़ी मदद मिली। बड़ौदा से लगभग 6-7 गाड़ी मटेरियल, खाने पीने से लेकर कपड़ा से लेकर दवाई तक का मटेरियल जरूरियातमंद को पहुंचाने के लिए हम कामयाब हुई। केरला समाज को, समाज के थ्रू केरला माल भेजने की, पैसा भेजने के लिए जो सहकार दिया, वो सहकार देने वाला तमाम लोगों को आज हम लोग यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि उन्होंने जो प्रदान किया अन्य देश, अन्य स्टेट के लिए, तो सभी मेरे ख्याल से अभिनंदन की पात्र है। इसके लिए उनके सम्मान के लिए आज का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है।